करे? नरेंद्र मोदी जी। क्या बोला तूने? इन्होंने जुनू घर है ना यहाँ। कैसा लगा, मजा आया? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ वडनगर। यहाँ से मैं पहले जाऊँगा विसनगर, मेरे दोस्त के घर। सो वहाँ से उसको हम लोग साथ में बाइक से वडनगर जाएंगे, और यहाँ से मैं अभी बस में निकल रहा हूँ। सो गाइस, अभी मेरा दोस्त मुझे लेने आ चुका है। कैसे हो आप लोग? अभी हम लोग यहाँ से समथिंग वडनगर है 13 किलोमीटर समथिंग दूर है, और बस स्टैंड पे जो मैं उतर चुका था, बस स्टैंड पे पब्लिक ज़्यादा थी इसलिए मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाया। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, 13 किलोमीटर समथिंग है। तो भाई अभी क्या खाने बैठे हैं? मक्का ही खाएंगे भाई, मक्का ही। गुड्डा मक्का ही, अभी मौसम भी अच्छा हो चुका है, हम लोग रुके हैं मक्का ही खाने के लिए, तो अभी हम मक्का ही खा लेते हैं। तो एक सेकेली तमें कितना मापी? सेकेली ना 20 रुपये, वापिली ना 30 रुपये। हेलीपैड गाइज, अभी मैं पहुंच चुका हूँ हेलीपैड, जहाँ पे मोदी जी का हेलीकॉप्टर लैंड होता है। वो जगह आप देख सकते हो, बहुत ही ऑसम जगह है। बहुत ही बड़ी जगह है और अलग ही घूमने की वडनगर में बहुत ही मज़ा आ रही है गाइज। धूप भी है यहाँ पे बहुत, और मैं अभी झाड़ के नीचे खड़ा हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ वडनगर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ का जो व्यू है वडनगर रेलवे स्टेशन को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। बाकी सब रेलवे स्टेशन के कंपैरिजन पे ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। तो देख सकते हो आप, ऐतिहासिक लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है कोई मंदिर हो। सो फाइनली अंदर आ चुके हैं, और जो हमको जहाँ पे आना था मोदी जी के स्टॉल के वहाँ पे, तो फाइनली मैं उसके आगे ही खड़ा हूँ। और आप देख सकते हो ये 1962 की बनाई गई। ये पीछे से है, पीछे का व्यू है ये। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि वहाँ की जो स्टॉल है, मैंने थोड़ी पहचान बताई कि पापा आरपीएफ रेलवे पुलिस में, तो हमको जाने दिया और शूट वूट भी करने दिया। ये वडनगर का राइट साइड का पार्ट बता रहा हूँ आपको, मतलब बहुत ही बारीकी से बना है ये वडनगर का। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। क्या रिव्यू था आपका? तो गाइज, हमने देख लिया है वडनगर का रेलवे स्टेशन, मतलब बहुत ही अच्छा है, ऐतिहासिक है, और दूसरे रेलवे स्टेशन से अलग है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो, मतलब इसकी बनावट में लाल पत्थर का यूज़ किया हुआ है, वो भी मतलब जो ऐतिहासिक जगह पे होता है वैसा। और मोदी जी की स्टॉल देखी हमने, अभी कोई भी चेंज नहीं लाया गाइज। अभी एक नई न्यूज़ भी आई है कि वडनगर से डायरेक्ट मतलब अंबाजी तक का जो रेलवे का ट्रैक की जो बनाने की होती है, उसकी मंजूरी मिल चुकी है,
तो सरकार ने मंजूरी दे चुकी है, तो अभी मतलब वो जो भी डेवलप एरिया है मतलब डेवलप होना चालू हो जाएगा और थोड़े सालों में वडनगर से डायरेक्टली अंबाजी तक की भी ट्रेन चालू हो जाएगी। तो आप जब भी वडनगर आओ, देखने लायक जगह है तो गाइस आप देख सकते हैं, एक बार विजिट जरूर करें। खाना वाना भी बाकी है, सो यहाँ से अब खाने के लिए थोड़ी दूर वडनगर थोड़ा आगे जाएंगे और कोई अच्छी प्लेस होगी वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे।